हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू आर टू गुड। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप कौन सी कक्षा में बेटा? तेजी कक्षा में। और आज का हमारा विषय क्या है? हिंदी। और टॉपिक चित्र देखकर शब्द लिखो। क्या है? चित्र देखकर शब्द लिखो। हमारा इससे लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? तीन अक्षर के शब्द किए थे हमने। क्या किया था? तीन अक्षर के शब्द, जैसे की क म ल कमल, है ना। और इससे पहले क्या किया था हमने? जोड़ किया था, जैसे कि क प्लस म प्लस ल, ये किया था, जोड़ थे ये। इसको जोड़ के क्या शब्द बन गया था? कमल। तो ये एक शब्द था, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें तीन अक्षर के ही शब्द लिखने हैं। कितने अक्षर के लिखने हैं? तीन अक्षर के। बट पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो पिक्चर है आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। देखो हमारी फर्स्ट पिक्चर किसकी है? क्या है ये? फ्लावर है, लोटस का। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कमल। और इसकी स्पेशल बात क्या है? ये हमारा नेशनल फ्लावर है, ठीक है। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है। कोई पूछे विच इज अवर नेशनल फ्लावर, तो आप आंसर क्या दोगे? लोटस। तो लोटस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। तो कमल में कितने अक्षर आते हैं? तीन। तीन आते हैं ना, तो लिखो क्या लिखेंगे? साउंड किसकी आ रही है पहले? क की। क म ल कमल। आपको कैसे लिखना है? बीच की थ्री लाइंस में लिखना है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। और ना ही लास्ट लाइन तक हमें जाना है, बिकॉज ये लाइन किसकी होती है? मात्रा की होती है। हमें बीच की तीन लाइनों में लिखना है, बीच फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। ये था कमल। तो कमल में कितने अक्षर आए? तीन, वन टू एंड थ्री। सेकंड पिक्चर देखो किसकी है। आपको क्या दिख रहा है? कप। और क्या दिख रही है? प्लेट, ठीक है। लेकिन देखो कप, कप में तो कितने अक्षर आते हैं? सिर्फ दो आते हैं, एक दो, है ना, कप कप। लेकिन देखो ये क्या है? चाय कैसी होती है? कप में क्या डालते हैं हम? चाय या दूध डालते हैं। कैसा होती है वो चाय? गर्म होती है, एकदम बहुत गर्म होती है ना, यानी कि हॉट होती है। तो गरम कैसे लिखते हैं? गरम में कितने अक्षर आते हैं? देखो ग र म, कितने अक्षर आए? तीन, एक दो तीन। तो हम क्या लिखेंगे? ग ग र म, गरम, ठीक है। गरम कैसे लिखा हमने? तीन अक्षर आए, ग र म गरम। उसके बाद देखो ये क्या है? सड़क। क्या है? सड़क। तो सड़क में कितने अक्षर आते हैं? थ्री आते हैं। कैसे लिखेंगे हम सड़क? जिसकी साउंड पहले आए उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, स ड क सड़क। और ड के नीचे बिंदी भी आएगी, ध्यान रखना, ओके। सड़क, व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये है यज्ञ। क्या है? यज्ञ। और ये क्या है? इसका कुंड है, हवन कुंड है, ठीक है। लेकिन देखो यज्ञ, आप यज्ञ लिखते हो, य यज्ञ, इसमें कितने अक्षर आए? सिर्फ दो। अच्छा यज्ञ का दूसरा नाम भी है, क्या है? हवन। क्या है? ह व न, हवन, यानी कि इसमें कितने अक्षर हो गए? एक दो तीन। हमें तो तीन अक्षर के शब्द लिखने हैं, तो इसे हम यज्ञ भी बुलाते हैं और हवन भी बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा ये किसकी पिक्चर है? देखो ध्यान से, ये क्या है? गन्ने है ना। और ये किसकी फसल है? गन्नों की। तो फसल, फसल कैसे लिखते हैं? फ स ल फसल। हमने यहाँ पे गन्ने नहीं लिखा, क्योंकि गन्ने में तो कुछ और ही मात्रा लग रही है, हमें तीन अक्षर के शब्द लिखने हैं सिर्फ। तो फ स ल फसल, ठीक है। इसकी आज आपने सिर्फ जिसमें तीन अक्षर आए वही पिक्चर बनवानी है अपने पेरेंट्स से, ओके। और उसको अच्छे से पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। ध्यान रखना तीन अक्षर के ही शब्द हो और उसका कुछ मीनिंग हो, ओके। देखो क म ल कमल, गरम,
सड़क, हवन और फसल। ठीक है, अच्छे से वर्क करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।